नमस्कार, आयुर्वेद के फीडबैक वीडियो में आज एक और वीडियो। और चलिए आज हम बात करते हैं सूर्यकांत जी से और उनका क्या फीडबैक है आयुर्वेद को लेके। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई सेंटर में रहता हूँ, मुंबई सेंटर ताड़देव रहता हूँ। ठीक है। तो आप जब आए थे तो आपको बहुत सारी तकलीफें थी, कितनी एज है आपकी? मेरा 62 ईयर है सर। 62 ईयर एज है ना। ठीक है। तो आपने आए तो बहुत सारी तकलीफ आपको थी। हाँ, अपन एक एक तकलीफ की बात करते हैं और क्या पंचकर्म करने के बाद कैसा उस पर बात करते हैं। सबसे पहला कौन कौन से पंचकर्म किए, नाम याद है? पंचकर्म पहला विरेचन किए थे। हाँ। क्या किया था विरेचन में आपने? विरेचन में दो दिन मालिश करने के बाद तीसरा मालिश के पहले क्या किया था आपने? मालिश के पहले 15 दिन का दवा लिया था। हाँ, 15 दिन का दवा लेने के बाद अपना मसाज नहीं, घी पिया था? हाँ, 5 दिन का घी पिया था मैंने। हाँ, तो कैसे पिया था, कैसे करके? पहला 30 ग्राम, 30 ml, 60, 90, बाद में 90, बाद में 120 और 150। हाँ, इस तरह से करने के बाद घी पीते समय थोड़ा ये लग रहा था पीने के लिए, क्या था एक्सपीरियंस? अच्छा, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता था कि उसे बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा, भूख भी नहीं लगता था लेकिन फ्रेश रहता था। ऐसा नहीं कि उससे कोई तकलीफ हो गया और थोड़ा सा ये परेशानी हो गया, वैसा कुछ नहीं। जैसा जैसा मैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आने के बाद मेरा जो पहले का जो तकलीफ था उससे 100 गुना वो अच्छा मुझे अभी लग रहा है। जब अभी विरेचन करने के बाद, पस्टिंग करने के बाद यहाँ का जो ट्रीटमेंट पूरा किया 2 महीने में, तो कैसे लग रहा था जब आप घी पीते थे? घी पीते थे समय थोड़ा क्या क्या तकलीफ होता था, या मतलब क्या क्या ढकार आता था, या दर्द होता था, या भारी लगता था, क्या होता था? भारी लगता था पहले। और भूख कब लगती थी घी पीते समय? भूख तो शाम को 4-5 बजे भी लगती थी, ऐसा ज्यादा पीने के बाद तुरंत नहीं लगती थी। पूरा। उसके बाद 2 दिन मालिश करके जब आपको विरेचन किया, बार बार लूज मोशन, कितनी बार पूरे दिन में आपको मोशन हुआ था? पूरा दिन में यहाँ पूरा दिन में पूरा 32 टाइम हुआ था, 32 बार से ज्यादा मोशन गए। तो उस टाइम पे कैसा था एक्सपीरियंस मोशन होने के बाद? मोशन होने जैसा जैसा मोशन होते गए वैसा बॉडी में इतना थकावट का निकल गया और जो तकलीफ था वो कमजोरी कम होते होते गई। मतलब ऐसा नहीं कि अभी अपने को मोशन होने के बाद पूरा थकान लगता है वैसा नहीं था। जैसे जैसे आपका ये देते गए ना वैसा उस, और उस दिन थोड़ा थकान लगा जब 32 बार हुआ था। 32 बार। हाँ, हाँ। बट फिर भी आप पैदल चल के गए थे ऐसे? वहाँ से पैदल चल के गए, मैं ट्रेन से गया मैं। बहुत जन बोल रहे थे टैक्सी से जाने में, मतलब नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था तो ट्रेन से निकल गया। मोशन में जलन वलन हुआ था कुछ? मोशन में जलन उस टाइम थोड़ा शुरू में हुआ, बाद में नहीं हुआ। ठीक। फिर विरेचन के बाद 5 दिन के बाद अपन ने बस्ती चालू किया। और बस्ती चालू करने के बाद राहत राहत मिलते गए मुझे। बस्ती में एक दिन तेल, एक दिन काढ़ा, ऐसे बस्ती रहती बस्ती रहता तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? बस्ती लेते समय क्या लगा था आपको? अच्छा लगता था या तकलीफ होती थी? नहीं, बस्ती लेते समय पहले शुरू में कैसा थोड़ा तकलीफ रहता था, मतलब अभी इतना परेशानी लेके आया था तो थोड़ा रहा, लेकिन जैसे जैसा टाइम निकलते जा गया वैसा वैसा कम होते गए। पेट पे, पेट में दर्द तो था वो कम हो गया, मेरे जो छाती में जो ये लग रहा था, सांस लगता था, वो भी कम हो गया बस लेने के बाद। बोला जो दर्द था ये घुटने में, इसमें जो दर्द था वो बहुत कम हो गया। मैं दूर माला चढ़ के आता था ना तो मुझे तकलीफ नहीं होता था। जैसा जैसा अपना टाइम होते गया बस्सी का, 3 दिन 4 दिन वैसा, नहीं तो पहले 2 माला चढ़ने के बाद मैं बैठता था, मुझे तकलीफ होता था, डायरेक्ट 2 माला नहीं चढ़ पाते थे, चढ़ नहीं पाता था। लेकिन अभी मैं सामान, अभी आया तो मैं सामान लेके आया हूँ। अच्छा, वो भी कितना 10-12 किलो का सामान पूरा चढ़ के आया हूँ। इतना फर्क गिरा आपको। ठीक है, तो ये था उनका बस्ती का एक्सपीरियंस। अब आपने 12 प्रॉब्लम बोली थी तो अपन एक एक करके पूछते हैं कैसा है। सबसे पहले आपने बोला था कि आपको पेट में बहुत दर्द होता था, वो दर्द कैसा है? दर्द होता था मतलब मुझे सोने को नहीं होता था, लेफ्ट साइड में सोता था तो भी दर्द है, राइट साइड सोता था तभी भी दर्द होता था। ये कितने टाइम से हो रहा था तकलीफ? वैसा मुझे अभी 3-4 साल से होता था, मुझे डॉक्टर का बहुत ट्रीटमेंट किया, सोनोग्राफी करने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो कैसा उतना टाइम राहत मिल रहा था जब तक दवा लेते दवा लेता तब तक राहत मिलता था, लेकिन वापस बंद करने के बाद चालू हो जाता था।
सेटिस्फाइज कोई इलाज नहीं हुआ था। क्यों होता था दर्द, कुछ पता था? मतलब कुछ खा लिया तो दर्द बढ़ जाता था या केवल सोते समय दर्द होता था? नहीं, पेट भर खाने के बाद सोते थे ना, नहीं खाली पेट भी सोता था तो भी दर्द होता था, और खाने के बाद तो ज़्यादा दर्द होता था। कैसे शुरू हुआ था कुछ पता है ये दर्द? शुरू मतलब अभी जैसा अभी अभी काम करते जाता हूँ, जरा हैवी काम है तो हैवी काम करना, आखा दिन मार्केटिंग रहता था, भाग दौड़ बहुत रहता था। उसकी वजह से वो मालूम नहीं पड़ा कि सर कि दर्द कब चालू हुआ। हाँ चालू, मैं समझता था कि अपन ज़्यादा मेहनत करे तो थोड़ा दर्द होता होगा, लेकिन जब एक महीने के बाद मन मालूम पड़ा कि नहीं नहीं अपने को परेशानी है। फिर आपने बोला था आपको ब्लोटिंग गैस बहुत होता था, डकार आता था ज़्यादा। 24 घंटे में कितना आता था डकार? डकार ज़्यादा बोले तो 20-22 का डकार आता। 20-22 ये खाने के बाद ज़्यादा होता था या खाली पेट ज़्यादा होता था? खाली पेट थोड़ा होता था, लेकिन खाना का खाने खाने के बाद ज़्यादा होता था। तो अभी वो सब डकार कैसा है, अभी आता है अभी या कंट्रोल हुआ? नहीं, डकार कंट्रोल हो गया, अभी खाना खाने के बाद हर इंसान को आता है वैसा, मतलब 5-6 बार दिन में 5-6 बार तक आता है, बट उसमें कोई दर्द जलन तकलीफ नहीं है अभी, कुछ भी नहीं। फिर आपने बोला था भूख नहीं लगती थी, हाँ वो कैसा है अभी? भूख तो अभी ज़्यादा लगते थे, पहले से ज़्यादा खाना चालू कर दिया। मजाक नहीं करो, मजा सचमुच दोपहर को भी अभी नहीं तैयार है तो उसको भूलना पड़ता है घर पे, जल्दी खाना बनाओ करके, है ना? हजम होता है अच्छे से? अच्छा होता है। ठीक, अभी सब कुछ खा पा रहे हो? सब कुछ खा पा रहा हूँ, दूध दही या मीठा फल वल या मीठा दाल चावल भाजी रोटी सब सब पूरा चल, सब हजम हो रहा है उसमें? सब हजम है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा। और फिर आपने बोला था कि लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा पेट का दर्द होता था, वो कैसा है अभी, है या पूरा निकल गया? नहीं पूरा निकल गया, अभी मैं लेफ्ट साइड में भी सोता हूँ आराम से और राइट साइड में भी सोता हूँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं, सुबह तक कोई तकलीफ नहीं। और थोड़ा सा प्रोस्टेट आपने बोला था, बट प्रोस्टेट अपने को रिपोर्ट में इतना नहीं है, बट उस जगह पे तकलीफ होता था क्या प्रोस्टेट नाभि के नीचे? नाभि के नीचे थोड़ा होता था। क्या होता था? लेकिन पेशाब करते समय रुक के पेशाब आ जाता था, लेकिन अभी वैसा नहीं, अपनों से पेशाब ठीक से आता है। और दम लगना आपने बोला था कि आपको सीढ़ी चढ़ने पे ये सब, दम कैसा है? दम अभी अच्छा है बहुत। अभी आप कौन से महले पे रहते हो या चौल में रहते हो? मैं चौल में रहता हूँ, लेकिन ब्रिज चढ़ना उतरना करना दिन में, जैसे ये दादर का ब्रिज है अपना, मार्केटिंग करता तो मुझे चढ़ना उतरना तो है ना, अप डाउन कंटिन्यू, अप डाउन कंटिन्यू ज्यादा। तो अभी वो कैसा है, दम वाला तकलीफ? दम वाला तकलीफ नहीं है ना अभी, मैं वही बोला ना, एनर्जी अच्छी लगती है? एनर्जी भी अच्छा लग रहा है और एकदम सेटिस्फाइड हूं ना, मैं खुशी से बोल रहा हूं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, अभी आप कुछ 10 या 12 किलो का सामान लेके आया? कुछ भी नहीं तकलीफ हो गया, मैं बैठा वहाँ आराम से था। ठीक, और ये खाने के बाद ढकार, अभी आप बोल रहे हो नॉर्मल है। हाँ। मेमोरी का थोड़ा सा इश्यूज होना चालू हुआ था? मेमोरी का अभी 50% तो बहुत फर्क है, थोड़ा आराम है, थोड़ा अभी थोड़ा और अभी बाकी है। इसलिए अपन ने डेली आपको घर पे बस्ती की प्रैक्टिस चालू की है ताकि कान मेमोरी ये सब में आराम मिलेगा। स्टिकी मोशन वाली तकलीफ कैसी है? नहीं वो भी चेक नहीं, वो नहीं हो रहा अभी, वो विरेचन के बाद से नहीं नहीं रह गए। नींद अपने को डिस्टर्ब होती थी, नींद अच्छे से नहीं आती थी? नहीं नींद भी अच्छा आता है, रात को सोते तो सुबह 6 बजे तो खुल जाती थी। कितने बजे सोते हो रात में? रात को 11:30-12 बजे सोता, अभी बम्बई में तो आपको हाँ उतना लेट अपने को होता है, 6-6.5 घंटे की नींद होती है, होते पूरी हो जाती है, आप ही आप नींद खुल जाती है। और अभी प्रॉपर एक सो पा रहे हो आप? हाँ। कि रात में भी बार बार जागना पड़ता है यूरिन? नहीं 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 कुछ अच्छे से नहीं। हाँ अच्छे से नहीं आती, वो नेचुरली जो आता है कभी तो बीच में तो उठना है, वो बहुत अलग है, लेकिन हमेशा आता था ना तकलीफ होता रहता था, बैठे बैठे जागना पड़ता था, वो नहीं होता, बैठे बैठे भी झपकी आनी पड़ती थी। हाँ, ऐसा वो सब भी होता है अभी? नहीं नहीं वही नहीं, इनके नहीं बारे में। पैर का दर्द आपने बोला था और लेफ्ट हैंड में दर्द बोला था, वो कैसा है? लेफ्ट हैंड का दर्द अभी है थोड़ा है। कहाँ कहाँ पे अभी दर्द है? ये इसमें ओके वो जॉइंट में जॉइंट्स में। हाँ तो वो पहले से कम है, ज़्यादा है या उतना ही है? उतना ही है अभी, अभी उसमें कुछ कम नहीं हुआ? कम नहीं है। ठीक, अपन देखेंगे। और वर्क रिलेटेड काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप बोल रहे थे होता था, काम सोच सोच के काम को, वो कैसा है? वही अभी बोलो वो माइंड के लिए फर्क गिरने के बाद उसमें थोड़ा मन थोड़ा सा अभी पहले से शांत हो गया है ना। और आपने बोला था मॉर्निंग में उठते ही पैर में सूजन की तकलीफ होती थी, 1 घंटे तक वो सूजन रहता था, अभी कैसा है? सूजन कम हो गया ना अभी, वो प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया और पेट का भी जो प्रॉब्लम होने के बाद वो आप नॉर्मल पे आ गए, अभी आप प्रॉपर उठ के अपना एक्टिविटी वो सब कर पाते हो। और आपको हमने जब चेक किया था तो लीवर के यहाँ पे आपको पेन था,
और स्प्लीन के यहाँ पे पेन था और राइट किडनी और नीचे की जगह पे पेन पेन था था पहली बार। पहली बार इसके बाद जब चेक किया तो पूरे का पूरा निकल गया। निकल गया, अभी आराम है बहुत। ठीक है, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका आयुर्वेद का, 15-20 दिन का जो भी आपने किया? बहुत अच्छा, मतलब मैं इसके लिए मैं मेरे दोस्तों को भी बोल रहा हूँ, मैं अपना रिलेटिव में भी बहुत बात कर सुन बोल रहा हूँ कि ये करना जरूरी है। इसकी वजह से क्या, डॉक्टर के दवाओं के थोड़ा थोड़े टाइप के लिए राहत मिलता है, लेकिन इसमें कैसा है कि आपको जिंदगी भर एक फ्री लाइफ जी सकते हैं, इसका अनुभव आ गया। और एनर्जी लेवल पहले से कैसा है? बहुत अच्छा है, ताकत लगता है अभी शरीर में? शरीर में ताकत लगता है और एक कॉन्फिडेंस जो पहले नहीं था। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस में जब खुद को अनुभव आता है तभी आप दो जन को बोल सकते हैं, नहीं तो खुद को अनुभव नहीं आएगा तो दो जन वो आने के बाद अपने पर वो दो बात सुनाएंगे ना क्या क्या ये सब है ना। हाँ, ये गलत है। ठीक, इसके लिए मेरे परिवार को पूरा तो लाया, आपको तो मालूम, बेटी को लाया, अभी वो दूसरा बेटी को भी ये कर रहा हूँ। ठीक, तो ये थे सूर्यकांत जी, इनकी एज है 62 और इनको जो भी वात रिलेटेड तकलीफें थी उसके लिए आयुर्वेद में हमने पंचकर्म किया। औषधियों में जटामांसी, प्रवाल, गुड़ुची, आमलकी, श्वदृष्टादि, शिलाजीत, इनकी कंडीशन के हिसाब से जो जो अच्छा था वो सारी औषधियाँ दी और उनको तेल की मालिश बस्ती हमने रखा था और उससे अच्छा खासा उनको आराम मिल गया। अभी हमने उनको घर पे कंटिन्यू बस्ती की प्रैक्टिस करने बोली है ताकि एज बढ़ने के साथ जो अपने को बीमारी होती जो है वो सारी तकलीफें ना हो। ठीक है, तो अच्छा लेकिन था लेकिन आने के बाद अभी कितना कॉन्फिडेंस से बात किया, मैं जब आया था तभी मैं कितना थोड़ा घबराए हुए हुआ था, लेकिन आज खुल के बात कर रहा हूं, खुल के भी बात कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स भी सब अच्छे आए हैं, थोड़ा सा लीवर कोनिलिथियासिस आया है तो वो अपन मेडिसिन से ट्राई कर। ठीक, चलेगा सूर्यकांत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।